दोस्तों एक दिन एक डॉक्टर के पास एक 5 साल का बच्चा आया जिसका केस सुनकर आप दहल जाएंगे। उस बच्चे का कहना था कि वो अपने लिप्स, अपने टंग और अपने फिंगर्स को खाया करता था और ऐसा काम जिसे अगर हम आज करें तो भी हमें भाई साहब दर्द ही होगा। उस बच्चे को अपने आप को इतनी चोट पहुंचाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुआ करती थी। अब जब उस बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री खंगाली गई तो और भी कॉम्प्लेक्स चीजें मिली। लाइक उस बच्चे को बचपन से लेकर आज तक एक भी बार पसीना नहीं निकला था और महज 4 महीने की उम्र से ही उसे हाई टेम्परेचर फीवर की सीरियस प्रॉब्लम रह चुकी थी। उसके राइट फुट में बचपन से चोट का एक ऐसा निशान था जो हील ही नहीं हो रहा था और जब उसके पूरी बॉडी का एक्सरे किया गया तब तो फिर सबके होश उड़ गए। उसकी सारी की सारी उंगलियां किसी न किसी तरह से डैमेज थी। राइट ग्रेड 2 और फर्स्ट टू फोर्थ टू म्यूटिलेटेड था। राइट नी के ऊपर मौजूद एक घाव में मैगोट लिटरली चिपका हुआ था और लेफ्ट एंकल की रेडियोग्राफी रिपोर्ट जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि बोन कितने हिस्से से डैमेज हुई पड़ी थी। नाउ सरप्राइजिंगली बच्चे की फैमिली और इवन बच्चे को भी कभी ये पता ही नहीं था कि उसे इतनी सारी चोटें लगी हुई थी और जब उसे अच्छे से डायग्नोस किया गया तो डॉक्टर को ये पता लगा कि बच्चा इन सब चीजों से इसीलिए अनजान था क्योंकि उसे एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर था जिसे एनल्जीसिया डिसऑर्डर या फिर कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में होता क्या है ना कि किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल कमी की वजह से कोई बच्चा दर्द महसूस करने की काबिलियत ही खो देता है। उसे चाहे कितने ही चोट क्यों ना लगे, भले ही उसके शरीर का एक हिस्सा कट कर उससे अलग कर दिया जाए पर फिर भी उसे उस चीज का एहसास ही नहीं होगा क्योंकि उसे दर्द ही महसूस नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी चीज है, आफ्टर ऑल दर्द झेलना किसको ही पसंद है। लेकिन दोस्तों जिस दर्द को आप श्राप मानते हैं ना वो एक तरह से वरदान भी होता है। इमेजिन करो कि अगर उस बच्चे को पहले ही पता होता कि उसकी हड्डी किसी एरिया से टूट चुकी है तो वो उस दर्द को महसूस करके अपने गार्जियन को इन्फॉर्म कर सकता था जिससे कि उसकी चोटों और से लगने वाले घावों का सही समय पर इलाज करवाया जा सकता था। पर क्योंकि उसे कभी चोटों का दर्द एहसास ही नहीं हुआ इसीलिए कंडीशन इतनी गंभीर हो गई कि आगे जाकर उसे मल्टीपल डैमेजेस से डायग्नोज किया गया। दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कहने को तो बीमारियां हैं मगर उनका विक्टिम बनने के बाद पेशेंट को ऐसी एबिलिटीज मिल जाती है कि जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। और ऐसी ही एक मेंटल डिसऑर्डर है सेवेंट सिंड्रोम जिससे जूझने वाले बच्चे कहने को तो मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं मगर उनका काम इतना शानदार होता है कि एक नॉर्मल इंसान सालों की प्रैक्टिस के बाद भी वो लेवल कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। कोई एक झलक देखकर ही पूरा का पूरा शहर ड्रॉ कर लेता है तो कोई लेफ्ट आई से लेफ्ट पेज और राइट आई से राइट पेज महज 8 सेकंड्स में पढ़ के पूरा सेक्शन मेमोराइज कर लेता है। बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि आखिर मेंटली अनफिट होने के बाद भी इन पेशेंट्स को ये एक्सेप्शनल एबिलिटीज कैसे मिल जाती है और क्या सेवेंट सिंड्रोम का शिकार होना सच में कोई वरदान है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों आखिर सेवेंट सिंड्रोम है क्या, इसे एक्सप्लेन करने के वैसे तो ढेर सारे तरीके हैं मगर वीडियो की शुरुआत है तो चलो सबसे आसान तरीके की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये सिंड्रोम उन लोगों को होता है जो मेंटली अनफिट होते हैं और बाकी सबके मुकाबले इनका दिमाग उतने अच्छे से नहीं चलता मगर इसके बावजूद इनमें कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्सेप्शन एबिलिटीज होती है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन विल्डशायर एक ऐसा बच्चा जो मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वोकली सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अर्ली चाइल्डहुड में वर्बली नहीं कम्युनिकेट कर पाता था। वो एक कमाल का आर्टिस्ट निकला जिसने साल 2005 में टोक्यो के ऊपर से बस एक छोटी सी हेलीकॉप्टर राइड लेने के बाद एक एक बिल्डिंग और फ्लोर सहित पूरे टोक्यो को ड्रॉ कर दिया था जैसे कि उसे कोई मेंटल वीकनेस हो ही ना। डैनियल टामेट भी ऐसा ही एक यूनिक सेवेंट है जो वैसे तो मेंटली अनफिट है मगर मैथ्स और लिंग्विस्ट होने में उनका कोई जवाब नहीं है। एक बार उन्होंने पाई की वैल्यू के नेक्स्ट 22,514 डेसिमल प्लेसेस को मेमोराइज करके पूरा का पूरा एक सास में सुना दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब साल 2007 में उन्हें यह चैलेंज किया गया कि वो एक हफ्ते में आइसलैंडिक सीख ले तो उन्होंने एक हफ्ते बाद के इंटरव्यू में इतनी तगड़ी आइसलैंडिक भाषा बोली विच वॉज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल। ऐसे लोग जिनके पास मेंटली अनफिट होने के बावजूद ऐसी एक्सेप्शनल क्रिएटिव स्किल्स होती है ना उन्हीं को सेवेंट सिंड्रोम का मरीज माना जाता है।
अब दोस्तों, वैसे तो इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो बेवकूफ होने के बाद भी जीनियस थे, मगर ऐसे किसी सिंड्रोम का सबसे पहला अकाउंट मिलता है साल 1783 के जर्मन साइकोलॉजी जर्नल ग्नोथी सॉटोन में, जिसमें जेडेडिया बक्सटोन को एज ए सेवेंट सिंड्रोम का पेशेंट पोर्ट्रे किया गया था। साल 1789 में बेंजामिन रश ने भी थॉमस फुलेर नाम के एक अफ्रीकन स्लेव को इसी तरह पोर्ट्रे किया था, जिसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वैसे तो वो इतने बुद्धिमान या सोशली इंटेलिजेंट नहीं थे जैसे हम नॉर्मल लोग होते हैं, मगर जब उसे एरिथमेटिक सवाल पूछे जाते थे तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड अपने आप में एक्सेप्शनल थी। अब जब थॉमस से पूछा गया कि एक आदमी जो 70 इयर्स 17 डेज और 12 आवर्स ओल्ड है, उसने अपनी जिंदगी के कितने सेकंड्स जिए हैं, तो 1.5 मिनट के अंदर थॉमस ने एग्जैक्टली सही आंसर दे दिया, वो भी लीप ईयर के अकाउंट के साथ। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस थे जब थॉमस की कैलकुलेशन स्पीड उस वक्त के रिनोन्ड मैथमेटिशियन से भी ज्यादा ऑब्जर्व की गई थी, मेकिंग हिम वन ऑफ द अर्ली रिकॉर्डेड एग्जांपल्स ऑफ सेवेंट सिंड्रोम। मगर ऐसे लोगों को टर्मिनोलॉजी देने की शुरुआत हुई साल 1887 में, जब जॉन लैंगडॉन डाउन सिंड्रोम और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने ऐसी कंडीशन से जूझ रहे लोगों को इडियट बुलाया, विच इज फ्रेंच ऑफ लर्न्ड इडियट। नाउ ये डीमीनिंग भी था और कहीं ना कहीं मिसगाइडिंग भी, इसीलिए कुछ समय बाद ऐसे लोगों को ऑटिस्टिक सेवेंट बुलाया जाने लगा। अगेन कुछ समय बाद ये नोटिस किया गया कि जरूरी नहीं है कि हर सेवेंट बंदा ऑटिस्टिक हो, मीनिंग कि ऐसे हर मेंटली एक्सेप्शनल बंदा इंटरैक्ट करने में या कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम फेस करता हो, ऐसा जरूरी नहीं था। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कम्युनिकेशन के अलावा और भी कुछ मेंटल इलनेस थी, इसलिए आखिर में ऐसे लोगों के लिए कॉमनली सेवेंट सिंड्रोम का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो उन्हें डिस्क्राइब करने का परफेक्ट और बेस्ट सूटेड टर्म था। अब दोस्तों, सेवेंट सिंड्रोम आखिर क्यों होता है? इस बीमारी के बारे में पिछले 250 सालों से जानते हुए भी इतनी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के बावजूद हमें अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये किसी के साथ क्यों होता है। हाँ, पर इसके अराउंड कुछ ऐसी थियोरीज जरूर बनाई गई है जो शायद इस गुत्थी का जवाब दे सकती है। अब इनमें से सबसे ट्रस्टेड थियोरी आती है हमारे न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड। देखो, जो हमारा दिमाग है ना, उसके चाहे कितने ही हिस्से क्यों ना हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वो नर्व्स और न्यूरल पैथवेज का एक कलेक्शन ही है, जहां जब भी हम किसी फिजिकल या मेंटल टास्क की डिमांड करते हैं तो वही न्यूरल नेटवर्क इंफॉर्मेशन को ब्रेन के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसमिट करते हुए हमारी इंटेलेक्चुअलिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर उस टास्क को परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। अब इस सिंड्रोम के पीछे ये थियोरी दी जाती है कि जब भी इससे जूझने वाले पेशेंट का ब्रेन किसी हिस्से से डैमेज हो जाता है तो उसके दिमाग में किसी नॉर्मल ह्यूमन के बजाय डिफरेंट और यूनिक न्यूरल पाथवेज बनते हैं। अब इन नए न्यूरल पाथवेज की वजह से दिमाग के डैमेज्ड हिस्सों से तो नसों का कनेक्शन वीक हो जाता है, लेकिन कई बार यही न्यूरल कनेक्शन उन हिस्सों के साथ पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जो हिस्से क्रिएटिव टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आर्ट, मैथ्स, म्यूजिक वगैरह वगैरह। अब ब्रेन के एक हिस्से से कनेक्शन वीक होने के कंपनसेशन में जो नया न्यूरल नेटवर्क बनता है, जब उस नेटवर्क में नर्व्स का कनेक्शन इन क्रिएटिव चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबल ब्रेन के हिस्सों से मजबूत हो जाता ना, तब इसी के रिजल्ट में बेसिक चीजों में पीछे रहने के बावजूद ये अद्भुत बच्चे उन पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड में बहुत एक्सेल कर जाते हैं। अब इस चीज को कई बार लॉजिकली देखा भी जा चुका है, इसलिए सेवेंट सिंड्रोम के पीछे इसको सबसे रिलायबल थियोरी की तरह ट्रीट किया जाता है। मगर क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा कंफर्म प्रूफ इस थियोरी को साबित नहीं कर पाया है, इसलिए सेवेंट सिंड्रोम का रीजन अभी भी अननोन ही कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं ना, वो सब ऐसे लोगों के थे जो बचपन से ही सेवेंट सिंड्रोम के शिकार थे। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जन्म लेने के कई सालों बाद उस डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाए? वेल, ऐसा हो चुका है, बट ऑलवेज एक्सीडेंटली। नाउ फॉर एग्जाम्पल, साल 1958 में पैदा होने वाले एलोंजो क्लीमोंस, जो पैदा होने के बाद महज 3 या 4 साल की उम्र में ही एक खतरनाक ब्रेन इंजरी के शिकार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मेंटल ग्रोथ रुक गई और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की वजह से उनकी IQ सिर्फ 40 तक सिमट कर रह गई। हावेवर, इस इंजरी के बाद उनका बौद्धिक विकास रुक गया था, लेकिन उनके अंदर स्कल्प्टिंग की अनोखी कला डेवलप हो गई। उन्होंने क्ले से खेलना शुरू किया और बेहतरीन चीजें क्रिएट की, और यही कला जब आगे बढ़ती गई तो उन्होंने आगे आने वाले समय में ऐसे एक से बढ़कर एक 3D स्कल्पचर्स बनाए कि आज की डेट में उन्हें मॉडर्न अमेरिका के सबसे बेहतरीन स्कल्पचर्स में गिना जाता है। डेरेक अमाटो की उम्र तो करीब 40 साल की थी जब उनके सर पर एक गंभीर चोट आई थी, मगर इतनी लंबी उम्र बीत जाने के बावजूद इस चोट की वजह से उनके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि जो व्यक्ति म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, अचानक से म्यूजिकल प्रोडिजी बन गया।
ऐसे जितने भी केसेस आज तक हुए हैं ना, जिसमें कोई पैदा होने के काफी समय बाद सेवेंट सिंड्रोम का शिकार हुआ है, उनके पीछे हमेशा किसी ना किसी एक्सीडेंट की वजह रही है, जिस एक्सीडेंट ने पेशेंट के दिमाग को साइग्निफिकेंटली डैमेज किया हो। अब ये चोट एग्जैक्टली किस तरह से किसी पेशेंट को डैमेज करके उसके अंदर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज को जन्म देती है, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। बट अगर हम लोग इसे डिकोड कर लेना, देन शायद न्यूरल इंजीनियरिंग की मदद से हम किसी के अंदर की ऐसी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर पाएंगे, जिसका प्रोडिजी बनने में उस बंदे को शायद सालों का समय लग जाएगा। हालांकि आपके हिसाब से हमें न्यूरल इंजीनियरिंग करके क्या वाकई में ऐसे टैलेंट्स को आर्टिफिशियली इनहेंस करने के तरीके एक्सप्लोर करने चाहिए, या फिर नेचुरली इन्हें एक्वायर करने के लिए डिपेंडेंट रहना चाहिए? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और दोस्तों, आप में से किस किस के अंदर कौन कौन से खास स्किल्स है जो किसी के पास भी नहीं होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं किसके पास सबसे अनोखा स्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।